कौन है डला रेट हो रहा है किसका रेट डला है रेडी सिवेश आज का अंतिम मैच कौन सा देने के लिए दोनों फिनालिस्ट ग्रुप ए से दिवे गेट्स गुड़ा एंड सरनाम बोलीवेज उन्हें हाथों हम सबों के अभिवादन को शिकार के हुए आप देख सकते हैं दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए ये जताते हुए ये कहते हुए कि खेल के दौरान हम दोनों एक दूसरे के विरोधी निश्चित रूप से हैं लेकिन खेल के दौरान खेल के बाद क्या होगा इस मैच का नतीजा क्या होगा इस मैच का अंजाम क्या फाइनल राउंड में विवेक एफ सिंह जैसे कि लिटिल सर ने आपको अवगत कराया है जीतने वाले फुटबॉल टीम कम से कम 40,000 के दौड़ में शामिल हो जाएगी एंड हारने वाले फुटबॉल टीम 15,000 के लिए रुकना पड़ेगा तो पहली विशेष के साथ पहला स्पर्श यहां पर इंतजार किया हुआ है एंड दोनों छोर के तमाम खिलाड़ियों को निगरानी में लेने के साथ साथ घड़ी पर निगाहें डाली है किक ऑफ की विशेष गूंज करते हुए मैच शुरू हो चुकी है ओलिया तो फुटबॉल टीम के खेमे में गेंद है इस बार हाफ लाइन क्रॉस हुई है एंड पहली मरतबा दमदार शॉट सीध है पूर्वी छोर पर गोलकीपर आगे आते हुए जाने दिए गेंद को गोल लाइन से बाहर के गोलकीपर के लिए एंड इस बीच बराबरी का मामला बनी हुई है गोल किक के लिए एंड यहां पर क्या कमाल के प्रयास गेंद सीधे मैदान से बाहर दूसरा गोल किक के लिए तैयार होते हुए गोलकीपर उली हाथू गोलकीपर के बाद फिर से उछाला है गेंद को पश्चिमी छोर में एंड ओली आतु के एक नौजवान खिलाड़ी क्या रफ्तार चीते की रफ्तार में लेकिन इंटरसेप्ट हुए हैं खिलाड़ी इन गेंद सीधा सीधा सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है पतंग सेल के एरिया पर एंड पहला थ्रो इन आप देख सकते थे उलियातु फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों द्वारा 15 नंबर गेमानुशान यह थ्रो इन को स्वीकारते हुए मेन रेफरी मिस्टर एमडी हालिम एंड एक लंबी पास का साथ सहयोग देते हुए 3 नंबर जज से विवेक एफसी गुड़ा फुटबॉल टीम क्या कमाल हो सकता है एंड कोशिश किया क्रॉस देने की जमीनी प्रयास लेकिन साथी खिलाड़ियों के अभाव वहां पर देखने को मिला थोड़ी सी पिछले हिस्से की ओर रहे विंगर खिलाड़ी अन्यथा एक सुनहरा अवसर वहां पर एक क्रॉस के तहत आया था मौका लेकिन उस मौके से बहुत ज्यादा फायदा लेने में चुकी है टीम एंड आखिरकार कॉर्नर पॉइंट के आसपास गेंद को सरकाते हुए उलिया तो फुटबॉल टीम के लिए खतरा हो सकता है विवेक एफसी गुड़ा फुटबॉल टीम के खिलाड़ी लेकिन आखिरकार पुनर्वार उसी क्षेत्र से गेंद को रिलीज किया लेफ्ट फुटेड शॉट एंड एक दमदार शॉट के साथ गेंद लेकिन गोलकीपर को मानना पड़ेगा क्या कमाल की अपूर्वानुमान उन्होंने लगाया है एंड सीधे गेंद को अपना ग्लोव्स में समेटा लेकिन अगले ही पल फिर से उन्हीं की ओर खतरा मंडरा रही है विवेक एफ से गुड़ा थोड़ी सी बढ़ चढ़ कर यहां पर मैच को खेलते हुए एंड 3 नंबर के पास मौका हो सकता है लेकिन 3 नंबर चकमा खा चुके हैं एंड उलियान फुटबॉल टीम के खिलाड़ी इतनी ज्यादा एडवांस मूवमेंट का नतीजा यहाँ पर उन्हें अपोनेंट फुटबॉल टीम के खिलाड़ी द्वारा गेंद को सरकाया गया है गर नंबर रिलीज किया गेंद को लेकिन काफी ऊंचाइयों के साथ गेंद जा चुकी है पश्चिम छोर पर कमाल का प्रयास यहाँ पर लिटिल सर होता हुआ शुरुआती दौर जरूर है लेकिन एक जिद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिलता हुआ विशेष करके विवेक एफसी गुड़ा फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों द्वारा और अंतिम मैच आज के लिए एनएसी अंतिम मैच में भी पहला स्कोर स्कोर के लिए सुभाष गोप द्वारा 200 नगद इनाम पुरस्कार राशि रखा गया है 200 नगद इनाम एंड यहां पर मौका एंड गोलकीपर चूके एंड पहला स्कोर यहां पर
आता हुआ ओलिया तो फुटबॉल टीम की ओर से, एंड कहते कहते 200 नगद इनाम का हकदार बन चुके हैं ओलिया तो फुटबॉल टीम के ये स्कोरर खिलाड़ी। हालांकि खिलाड़ियों के जर्सी पर नामांकन नहीं हुआ है या नंबरिंग नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से स्कोर करने वाले खिलाड़ी के नाम से ये खिलाड़ी जाने जाएंगे। एंड नगद 200 रुपया यहाँ पर अपना हक में ले चुके हैं मिस्टर सुभाष गोप के द्वारा। ये 200 इनाम दिए जाएंगे इस स्कोरर खिलाड़ी को। तो इस बार एक उम्दा प्रदर्शन हो चुकी है, एक सफलता प्रणाम कर चुकी है ओलिया तो फुटबॉल टीम के खिलाड़ी, लेकिन इस बार जवाब हमला एंड स्कोर वापस करने की होड़ में 4 नंबर द्वारा कमाल की क्रॉस एंड गोलकीपर अपना काम करते हुए बेहतरीन गोलकीपिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ गोलकीपर उली हाथ। निश्चित रूप से एक दमदार प्रदर्शन जारी रही। चलित वर्ष ऐतिहासिक सेमीफाइनल राउंड मैच गोटे सफलता को साउंडिबा परे परे उलिया तो फुटबॉल टीम रा समस्त समर्थक निश्चित रूप से स्मित आश्य एंड दैट इज प्ले ऑन द संकेत दे संते निर्णायक महोदय मिस्टर एमडी हालिम, किंतु समरे खिलाड़ी को निरीक्षण करिबा हेबे वर्तमान स्थिति रे विशेष भाव जदि खिलाड़ी क्षतिग्रस्त होई संधि तबे तांकरि बदल रे अन्यतम खिलाड़ी जदि समाने खेलबा पय सक्षम तबे स्वयं खेलबा हेबे खूब शीघ्र मैच आरंभ हेबो बोली आमे आशा करिबा। निरीक्षण करू संधि मुख्य रे मिस्टर एमडी हालिम एवं आमको जा देखियो परिवर्तन अंचल को बेल को प्रेरण करा जाय छी सेउट सीधा सड़क 4 नंबर जर्सी विवेक एफ से फुटबॉल टीम पय ए टेरिफिक शॉट जरिया रे आमे यारो एंजॉय ने संति के पुनः बात 4 नंबर जर्सी रिलीज कर चंदी बॉल टी को किंतु गोलकीपर को आ चंदी एंड जरो बहु बल बंधन रे बॉल को होल्ड करा जाय छी मानिया पय पड़िबो अनेक चेष्टा अनेक प्रयास एटी विवेक एफसी फुटबॉल टीम जरिया रे जदी होछि किंतु वर्तमान सदस्य मान को सफलता मिलि पारु नहि। इतिमध्ये पुनर्बार ओलिया तो फुटबॉल टीम रो राइट ऑफ बैक खिलाड़ी निद्रोइंगर खिलाड़ी पय किंतु असिस्टेंट निर्णायक मिस्टर विजय बिरुवांकर संकेत रहिछि बॉल टी सीमा रेखा रे बाहर चली जाइतिला एंड थ्रो इन संकेत रहिबो सेठी एंड विवेक एफसी गुडा फुटबॉल टीम जरिया रे ए थ्रो इन गोटिए धीमा थ्रोइन किंतु सटीक थ्रोइन एंड निर्णायक स्वीकार करिसंती किंतु पुनर्बार से अंचल रे चार्ज से परे परे बॉल डी सीमा कर बाहर एंड लंबा थ्रोइन परे परे पुनः बॉल डी जारी रही छी निजरो अज्ञात को नेबा पई खेलाड़ी माने से प्रयास करिसंती जोंटी हमर तीन तीन जन यूट्यूबर असंती जो अंचल से माने ए दृश्य को ए मैच को शूटिंग करुसंती निज कैमरा रे कैद करुसंती सही अंचल रे ए थ्रोइन टी थिला एंड परवर्ती मुहूर्त पुनर्बार एक लंबा पास विवेक एफ से 4 नंबर पाए सुग्रीव ऑन द टारगेट हिट करिया पाए एंड हिट इट बट गॉड्स रॉन्ग साइड बिल्कुल अनेत्र बॉल टी चली जाई छी कौन से प्रकार विशेष विवेक एफ से गुड़ा फुटबॉल टीम रो प्रथम स्कोरर खिलाड़ी पाए देवासंत पुनर्बार ए मैच रो अवशिष्टता अवशिष्टांश मैच को एंजॉय करिवा एवं सही पूर्व रो अनुरोध करिवि प्रत्यक्ष दर्शी धारा बुवरणी फाइन मोर सीनियर मिस्टर लिटिल सारंग को सर आसंतु वेलकम। हेलो धन्यवाद आशीष जी। समय मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ देखना पड़ेगा काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर घोड़ा गोल की तलाश में देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे फिर से मौका बनाने की कोशिश लेकिन इस गेंद को क्लियर करते हुए विमल के पास है गेंद विमल बीरुआ अपने कब्जे में लेकर गेंद को ड्रिबल करते हुए इनके आए गेंद को देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे उन्होंने राइट विंगर के लिए गेंद को रिलीज किया राइट विंगर क्या कुछ करते हैं क्रॉस यहाँ पर डाली है हेडर द्वारा प्रयास लेकिन उससे पहले गोलकीपर ने लपक लिया अपने दस्तानों में बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए और इशारा कर रहे हैं अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों को यहाँ पर गोड़ा कोशिश कर रहे हैं जरूर इस गोल को वापस करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन इस समय ओलिया तो को मिलता हुआ गेंद काफी सुंदर लेकिन छीनने में सफल फिर से मिलता हुआ इस समय सुंदर पास के जरिए 7 नंबर के लिए गेंद को विनोद के लिए गेंद को रिलीज किया है तेजी दिखाती है प्रयास लेकिन डिफेंडर से टकराई थी दोबारा डिफेंडर ने इस गेंद को क्लियर किया फिर से विमल गेंद को लेने की कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ पर और किसी भी हालत में अपने कब्जे में लेने से और इस समय चुके और रेफरी मदर की सिटी
मोहम्मद हलीम जी का और एक टैकल होता हुआ एक फ्रीकिक का मौका मिलेगा उली हाथों के खिलाड़ियों को। बिमल इस गेंद को लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहां पर टैकल कर बैठे और लंबी उछाल के साथ लेकिन डिफेंडर मौजूद गेंद को क्लियर करने की कोशिश देखना पड़ेगा गलत पास कर बैठे और उली हाथों लंबी उछाल के साथ ऑफेंस के खिलाड़ी को दी है चकमा देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसी बीच गोलकीपर आया और बाएं हाथ से ट्रायल पास देते हुए गुड़ा के पास गेंद गुड़ा नियंत्रण करने के बाद बिमल के लिए खेला। बिमल ने चकमा देते हुए ग्यारह नंबर के साथ तालमेल बनाए उन्होंने फिर से खेलना चाहते थे लेकिन गलत पास कर बैठे और हवा में इस समय गेंद फिर से उली हाथों नियंत्रण करने की कोशिश में लेकिन छीनने में सफल हुए फिर से गुड़ा को मिलता हुआ क्योंकि पीली जर्सी पर खेल रही टीम गुड़ा की टीम है और सेमीफाइनल मुकाबला खेलते हुए दोनों टीमें लेकिन आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। सेमीफाइनल मुकाबला रोमांचक मुकाबला होता हुआ 1-0 का बढ़त के साथ खेलते हुए सफेद जर्सी पर खेलता हुआ टीम उली हाथों के पास और थ्रोइन होने के बाद उली हाथों कब्जे पे लेकर लंबी उछाल के साथ खेला लेकिन इसे डिफेंडर अपने कब्जे में लेकर चकमा देने का प्रयास करता हुआ दो खिलाड़ी मौजूद है वहां पर छीनने का प्रयास कर रहे हैं बीच निकालने का प्रयास लेकिन उली हाथों के खिलाड़ियों ने फिर से किक किया है और हवा में गेंद को रोकने का प्रयास उली हाथों लेकिन गिर पड़े खिलाड़ी विनोद आए यहाँ पर। विनोद काफी सुंदर तरीके से अपने कब्जे में ली तेजी दिखाता हुआ कब्जे लेते हुए यहाँ पर चकमा देने में नाकाम विनोद फिर से उली हाथों के मेन डिफेंडर दो नंबर काफी मेहनत कर रहे हैं डिफेंस लाइन के खिलाड़ी लेकिन उलिया तो बेहतरीन किक के जरिए गोल दागी है और किक आई थी दोबारा प्रयास बिमल का हवा में उछाला गेंद को लेकिन गोलकीपर के दस्तानों में मौका बनाने की कोशिश कर रहा है गुड़ा की टीम किसी भी हालत में गोल को वापस करने का प्रयास करता हुआ लेकिन यहां पर परिवर्तन करने के लिए एक इशारा देते हुए इस समय विनोद को मैदान से बाहर भेजा जा रहा है उसके बदले एक खिलाड़ी मैदान के अंदर आता हुआ देखना पड़ेगा कहना पड़ेगा मानना पड़ेगा काफी जोरदार मुकाबला होता हुआ बिमल से छुट्टी गेंद फिर से बिमल को पास मिली है छोटे पास के रूप में खेलना चाहते थे यहाँ पर 6 नंबर को मिली है गेंद 6 नंबर ने हवा में उछाला गेंद को इसका फायदा लेते हुए यहाँ पर उली हाथों के खिलाड़ी काफी तेजी से आगे जाना चाहते थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद चली गई मैदान से बाहर थ्रोइंग का मौका मिलेगा घोड़ा टीम को डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए यहाँ पर 8 नंबर ने अपने दाएं छोर के 3 नंबर को दी 3 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को उन्होंने 11 नंबर के साथ खेलना चाहते थे लेकिन छुट्टी गेंद उनसे तेजी दिखाते हुए 6 नंबर यहाँ पर मौके का फायदा लेने की कोशिश में तेजी दिखाए थे जरूर लेकिन इसी क्रम में छीना छपट्टी के क्रम में गेंद को क्लियर की और मैदान से बाहर चली गई। थ्रोइंग का मौका मिलेगा उली हाथों के खिलाड़ियों को सुंदर थ्रोइंग छोटे पास के रूप में इस्तेमाल लेकिन गलत तरीके से यहाँ पर किए थ्रोइंग और यहाँ गेंद उपलब्ध करा देने की इशारा देते हुए सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ मध्यंतर के बाद का खेल चलता हुआ और गोड़ा टीम के लिए एक सुनहरा अवसर जो पहला गोल दागते हुए खिलाड़ी के लिए 100 रुपये का इनाम राहुल और दिलीप गोप की तरफ से मिलेगा देखना पड़ेगा गुड़ा की टीम इस मौके का फायदा ले पाते हैं कि नहीं 100 रुपये के इनाम को ले पाते हैं कि नहीं इस मैच में वापस होने की कोशिश करते हैं कि नहीं। यहाँ पर फिर से गुड़ा आक्रमण का मूवमेंट बनाने की कोशिश 11 नंबर को मिलता हुआ गेंद 11 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को सुंदर उछाल डाली यहाँ पर लेकिन डिफेंडर का हेडर काफी सुंदर फिर से हेडर पास 2 नंबर के लिए सभी खिलाड़ी आक्रमण के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसे होता है अक्सर फुटबॉल खेल में जब एक गोल से पीछे चल रहे होते हैं टीम तो सभी खिलाड़ी इस गोल को वापस करने के लिए प्रयास करते हैं टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इसी को अमल में लाते हुए गोड़ा के खिलाड़ी 6 नंबर को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखकर काफी सुंदर पास तरीके से पास बिमल के लिए गेंद को पास किया बिमल ने अपने नियंत्रण में रखकर तेजी दिखाते हुए यहाँ पर आक्रमण का मूवमेंट बनाने के लिए तेजी दिखाते हुए 11 नंबर गेंद के पीछे भाग रहे हैं जरूर लेकिन डिफेंडर इन मौके पर आया गेंद को क्लियर करने में सफल और चली गई मैदान से बाहर थ्रोइंग का मौका मिलेगा इस समय गोड़ा के खिलाड़ियों को
सुंदर थ्राइन मौका बनाने के लिए बिमल को देते हुए पास, चीनी के गेंद, गोरा के खिलाड़ी आक्रमण के लिए, यहाँ पर एक खिलाड़ी तेजी से जाता हुआ दाएं छोर से यहाँ पर आक्रमण का मोमेंट बनाने के लिए देखना पड़ेगा। सभी खिलाड़ी एक छोर आ गए थे और डिफेंस लाइन में दौड़ कर आकर इसको रोकने का प्रयास करता हुआ और एक खिलाड़ी अपने कब्जे में ली है, बूढ़े हाथों को मिलता हुआ गेंद, गॉड डिपेंडर उसको छीनने का प्रयास करता हुआ, छीनने में सफल होने की कोशिश करता हुआ, कुए भी और बाएं पास से पास खेला 11 नंबर के लिए, 11 नंबर ने तालमेल बनाए 4 नंबर के साथ खेला उन्होंने और आगे बढ़ाने का कोशिश लेकिन गलत पास कर बैठे इस हड़बड़ी में और फिर से 2 नंबर को मिलता हुआ गोड़ा के, इस डिफेंसिव को भेदने में नाकाम गोड़ा के ऑफेंस और बाएं पास इस बार लंबी उछाल के साथ डालिए गेंद को सीने से रोका है, दिखना पड़ेगा क्या कुछ करे लेकिन बेकार होता हुआ और लंबी उछाल के साथ डिफेंडर ओली हाथों के क्लियर किया और गोलकीपर काफी आगे हैं और गेंद को रोकने के बाद पास खेले यहाँ पर 6 नंबर के लिए। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है आशीष जी कि किसी भी हालत में गोल को वापस ना करने की करने के लिए सभी ओली हाथों के खिलाड़ी डिफेंस लाइन पर आ चुके हैं और इसी बीच रेफरी महोदय की लंबी हुई और खेल समाप्ति की घोषणा कर